रहा है? नहीं, उसको पकड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप गौर करें मेरे भाई कि दुनिया से जाने के बाद जब मुजरिम अल्लाह के सामने पेश हो रहा है, अल्लाह से क्या मांग रहा है? टाइम मांग रहा है ना। आज उसके पास टाइम है, आज हमारे पास टाइम है, तभी तुम यहां बैठे हैं। टाइम नहीं तो कहां से बैठते? टाइम अल्लाह ने दिया है, वरना कहीं बड़ा टाइम आ जाता तो बैठ भी नहीं पाते, फिर तो कब्र में पड़े होते, पता नहीं कहां पर हम आ जाते, हमारी हड्डियां हमारे गोश्त। ये अल्लाह का बड़ा फजल है मेरे भाई कि आप ऐसे मकाम पर बैठे हैं। बहुत ही जरूरत है इस बात की कि हम अपने वक्त की कदर करें। टाइम के पंक्चुअल अगर हम बन गए, हमारी जिंदगी के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप टाइम बना लेना, सुबह उठे नमाज पढ़ना है, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करनी है, कुरान की तिलावत के बाद आपको जॉब पे जाना है। ये नियत से अगर आप करेंगे कि भाई मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं हल कैसे होंगे, ऐ ला मैं तेरी खातिर कर रहा हूँ कि अगर मैं कर नहीं पाऊँगा तो मेरा जहन मुंतशिर रहेगा, इबादत में मेरा दिल नहीं लगेगा। खाना खाए, दिल में ये ख्याल रखे, ऐ ला खाना इसलिए खा रहा हूँ कि अगर खाना नहीं खाऊंगा कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं नमाज में बराबर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, उसे सवाब मिलेगा। वो सफ़र भी करेगा, ट्रेन में चढ़ेगा, उसको सवाब मिलेगा। कौन? जो अपने वक्त का पाबंद होगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने सवाब की उम्मीद रखेगा, वो बंदा। और आपको पता है कयामत के दिन 5 सवाल होने वाला है, होने वाला है ना। 5 सवालों में पहला सवाल क्या होगा? अन उम्रही फीमा अफना, बंदे बता मुझे, मैंने तुझे उम्र दिया था, क्या किया, क्या किया तूने? तो आप ऐसा नहीं कह सकते अल्लाह 15 साल तक गोटी खेला, 15 साल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ऐसे दौर में पैदा हुआ था जिस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल थी, नए नए गेम आ गए थे, उसमें मशगूल था, फिर 25 साल का हुआ तो हल्का हल्का जो उसमें देखता था कुछ दिल में ख्याल आने लगा, इश्कबाजी शुरू कर दी, फिर इश्क में तो पूरी ज़िंदगी निकम्मा बन गई, ऐसा निकम्मा बन गया पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, किसी की खातिर मरने लगा, किसी के खातिर जीने लगा। क्या जवाब देंगे, क्या जवाब होगा हमारा, हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या जवाब देंगे? अन उम्री फीमा अफना, बंदे तुझे जो उम्र दी गई थी क्या किया तूने, कहाँ खपाया, किस चीज में लगाया? वह अनशबाबी ही फीमा अबला, और जवानी को तूने क्या किया, बुढ़ापे का जिक्र नहीं है, जवानी को क्या किया, क्या किया जवानी को? तो बाद हमारे कहेंगे अल्लाह जवानी के अंदर तो जिम करता था लेकिन इबादत नहीं करता था, 50 किलो का डिप्स उड़ाता था लेकिन कुछ नहीं कर पाता था मैं, क्या जवाब देंगे? बहने कहेंगे अल्लाह खूब क्रीम पाउडर लगा करके बाहर लोगों का नज़ारा कराती थी, क्या किया आपने, जवानी क्या की, जवानी में तूने कितनी इबादत की, क्या जवाब होगा? माल कहाँ से कमाया, हलाल या हराम, चोरी करके धोखा देके मक्कारी करके कहाँ से कमाया, और कमा भी लिया खर्चा कहाँ किया, 500 रुपया केबल वाले को, 98 रुपीस मोबाइल का रिफिल क्योंकि व्हाट्सएप पे चैट करना है, वो जो गर्लफ्रेंड है वो बराबर कहती जल्दी कर SMS वरना ब्रेकअप हो जाएगा, उसको गुस्से बार बार भाग भाग के आएगा, 98 का रिफिल फजूल, अलग अलग TV का इंतज़ाम फजूल चीज़ों में, अगर एक दिन में वो 5 रुपये की सिगरेट पीता सिर्फ एक सिगरेट तो महीने का कितना हो गया, अल्लाह आप खुद जोड़ लें, एक सिगरेट कोई एक दिन में नहीं पीता है, कम से कम उसकी स्टाइल होती है कि कम से कम 10 तो पिए, कहाँ से जवाब देंगे, कहाँ खर्चा किया, किस गंदे काम में खर्चा किया, जवाब देना होगा। अल्लाह के राह में देना होता था जुमा को सिर्फ 10 रुपया निकालता था और हराम काम में 500 रुपये निकलते महीने में, ताज्जुब की बात है। बच्चे की मदरसे की 30 रुपया फीस देनी होती, 50 रुपया नानी अम्मा याद आ जाती हैं, और 500 रुपया केबल वाले को देने में कोई परेशानी नहीं होती, खुशी बखुशी देते हैं, कहते हैं बराबर इस हफ्ते नई फिल्में लगाना, ऐसे लोगों का मिजाज बन गया है, कहाँ गुजारा, अमल कितना किया, 5वां सवाल होगा। तो एक बंदा अगर अपने वक्त की पाबंदी करेगा इंशाअल्लाह वो आखरत के मैदान में कामयाब हो जाएगा, फिर उसे ज़िंदगी का रोना नहीं होगा, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जा कर के भीख नहीं मांगेगा, फरिश्ते जब उसे लेकर के जाएंगे ना कब्र में उसे दफन किया जाएगा, दफन करने के बाद फरिश्ते आएंगे उससे सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, कहेगा रब्बी अल्लाह, मा दीनों का, दीन इस्लाम, मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहेगा वो रसूल है,
उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल बनाया था, वो मेरे रसूल हैं। जब ये तीनों सवालों का जवाब दे लेगा तो अल्लाह उसको जन्नत का देख जन्नत दिखाएगा। वल्ला मेरे भाई उसे जन्नत दिखाई जाएगी, देख तेरे ये मकाम है। जब वो जन्नत देख लेगा अल्लाह से कहेगा अल्लाह अब भी क़यामत कायम कर दे, अब भी फौरन मुझे अब भी जन्नत चाहिए। अल्लाह कहेगा बंदा ये आखरत नहीं, ये बरज़ख है, अभी जन्नत नहीं मिलने वाली है, एक काम कर सो जा, मर मत जा, सो जा तू। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, नम। अल्लाह ताला कहेगा ऐ बंदे तो सो जा, फरिश्ते कहेंगे सो जा, कनौमतिल अरूस, जैसे दुल्हन सो जाती है तो दुल्हन की तरह सो जा। दुल्हन की कितनी कदर होती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदों की कदर कब्र में ऐसे ही करेगा। जो परमानेंट बंदे होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के, उनकी कदर कब्र में ऐसी होगी। क़यामत के दिन जब उठेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज़िंदगी की भीख नहीं मांगेगा, अल्लाह उसे क्या कहेगा, ऐ मेरे बंदे तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, फदखुली फी इबादी, ये मेरे नेक बंदे अंबिया सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा, जा इन लोगों के साथ दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती मेरी जन्नत में चले जा। ये किसके बारे में होगा, चार हाजिरी देने वाले के बारे में, जुमा जुमा हाजिर होने वाले के बारे में, नमाज की कोई परवाह ना उसके बारे में, नाम क्या आगे सैयद लिखने के बारे में, अपना नाम कादरी रखने के बारे में, अमन से दूरी इख्तियार नहीं। ये उस शख्स के बारे में होगा जो ईमान के बाद अमल पर इस्तकामत इख्तियार करता है, जिसके तकवे की रस्सी रमज़ान में भी मजबूत होती है और रमज़ान के बाद भी मजबूत होती है। लोग उसको खींचना चाहते हैं, लोग उसको ताने देते हैं, रमज़ान में तेरी दाढ़ी बढ़ गई थी अभी भी बढ़ा लेना, क्यों बढ़ाया है, कटा दे। वो कितना भी लोग उसको ताने देते हैं नहीं करता है, वो तकवे की रस्सी से बन जाता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है। तो पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं रमज़ान के बाद भी आप सुधरे रहे तो क्या करना पड़ेगा, वक्त की पाबंदी लाजिम है। दो, आप अपने घर का ख्याल रखें, क्योंकि असल बिगाड़ जो है वो हमारे घरों में। घर का माहौल दुरुस्त हो जाए सब दुरुस्त हो जाएगा, घर के अफराद दुरुस्त हो जाए सब मामला दुरुस्त हो जाएगा, घर के लोग रूहानी हो जाए, रियल मानों में उनके अंदर ईमानी जज्बा आ जाए, पूरा मामला दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ, जहन्नम की आग। दुनिया में कैसा होता है, किसी के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको मान लो किसी बड़े अस्पताल में एडमिट किए, एडमिट करने के बाद जो उसके वालिद होते हैं कान में जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब पैसे की फ़िक्र मत करना, इतनी फिक्र होती है। बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, बीवी के बारे में डॉक्टर साहब से मशवरा हो रहा है पैसे की फ़िक्र नहीं होना चाहिए, आप इलाज अच्छे से करें। लेकिन वही बीवी वही बच्चा वही लड़का उसका अकीदा ख़राब है, उसका मनहज ख़राब है, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, उसकी राह ख़राब है। वही बेटी उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है चैटिंग कर रही है, कोई फिक्र नहीं है, दुनिया में उसके लिए सब इंतज़ाम कर रहा है, जन्नत का इंतज़ाम नहीं कर रहा है, जन्नत में जाने का इंतजाम नहीं कर रहा है, बल्कि जहन्नम में जाने के लिए घर में लाके डब्बा रखा शैतान का, देख बेटी जन्नत में जा मिलेगा नहीं, घर में जन्नत जहन्नम का इंतजाम किया है और काम कहाँ से जन्नतियों वाला होगा। घर में इंतजाम किस चीज का किया है, जहन्नमियों वाला, और काम चाहता जन्नतियों वाला, मिलेगा आउटपुट नहीं निकलने वाला है। आप गन्ने की मशीन ला करके सोना उसे निकालना चाहे निकलने वाला है नहीं, उससे गन्ने का रस ही निकलने वाला है। आप शैतान का डब्बा घर में रखेंगे उससे नेक साले बच्चे नहीं निकलेंगे, उससे वही बच्चे निकलेंगे जो कल कहेंगे अब्बा मैंने तलाश कर लिया है। आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बेटी भी कहेगी अब्बा मेरे कॉलेज का जो फ्रेंड है ना मुझे पसंद आया उससे मुझे निकाह करना है। आपने खुद जजिया बजरिया बना दिया है, बाद में आप कहते माहौल खराब हो गया है, आप खुद खराब हो गए हैं।
आदमी दूसरे को ऊपर डालता है। घर का माहौल बहुत जरूरी है, घर में क्या हो रहा है, क्योंकि घर के लोग ही आप सब ना, अगर घर में सुधर गए तो बाहर भी सुधर जाएंगे, लेकिन घर में सुधार नहीं ना बाहर भी सुधार नहीं होगा। जिस औरत का मिजाज घर में नहीं सुधरा रहेगा वो बाहर कहां से सुधरेगी, जिस लड़के का मिजाज घर में सही नहीं होगा बाहर कहां से सही होने वाला है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। कितना हम बचा रहे हैं? अपनी बीवी को कितना बचा रहे हैं? अपनी बच्ची को कितना बचा रहे हैं? अपनी बहन को कितना बचा रहे हैं? अपने भाई को कितना बचा रहे हैं? अपने बेटे को कितना बचा रहे हैं? सबको जायजा लेना, सब लोग अपने गिरेबान में जाकर देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की इस्लाह कैसे करते थे उसकी एक मिसाल देकर के हम आगे बढ़ते हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चीज़ का इंतज़ाम किया। जिन लोगों की शादियाँ हो गई होंगी उन्हें पता होगा कि औरतों का एक मिजाज होता है, अल्लाह ने उनकी फितरत में शायद डाली है कि शोहर जब घर पर नहीं होता है वो सोचती है कौन सा ऐसा काम करूँ कि शोहर आए तो खुश हो जाए। अच्छा खाना बनाती हैं, बाज़ हमारी बहनें होती हैं जो पूरा दिन बैठ के सीरियल देखती हैं, शाम में पूरी स्टोरी सुनाती हैं, शोर कहता है हाँ बहुत अच्छी स्टोरी थी, गुनाह का काम करती है उसको भी बताती है। बाज़ हमारी बहनें होती हैं कुरान पढ़ करके शाम को आता है उसको सुनाती हैं, उसको नहीं मालूम है। तो औरतों के अंदर ही मिजाज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जौज़े मोहतरमा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर को खुश करने के लिए एक चादर बनाया, एक पर्दा बनाया, एक तकिया बनाया, रवायत के इख्तलाफ के साथ। अब उस चादर के अंदर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, बीवी ने बनाया था भाई, सबसे चहेती बीवी, तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे? हजरत आयशा से। अब उस चहेती बीवी ने एक तकिया बनाया है, लेकिन उस तकिए पर क्या बना हुआ है? उस तकिए पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपकी निगाह उस तकिए पर पड़ गई, दरवाजे पर ही थे जब तक आपकी निगाह वहां पर पड़ गई, फलम यदखुल, घर में दाखिल ही नहीं हुए। तो बीवी ने कहा क्या मामला, अल्लाह अकबर, परेशान हो गई। आयशा रदियल्लाहु तआला ने कहा माज़ा अज़नबतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या गलती हुई बता दीजिए आप मुझे, क्या गलती हो गई मुझसे, खुश करने के लिए तकिया बनाई है, पूछ रही है गलती क्या हुई है, उन्हें भी नहीं मालूम। कहा आयशा तुझे नहीं मालूम, कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब जिन लोगों को होने वाला है वो तस्वीर कशी करने वालों को, जो तस्वीरें बनाते हैं। आज तो बिल्कुल आम है ना, वो शादी शादी है ही नहीं जिसमें वीडियो कैमरा ना बने। और हमारी बहनों का आलम ये होता है कि जो दुल्हन होती है जो दूसरी बहनें बन के आती है वो और बड़ी दुल्हन नज़र आती है, ये मिजाज होता है, ये तो इतनी बड़ी दुल्हन की उसको फेल कर देती है। क्यों? शूटिंग होने वाली है, बाद में बैठ के देखेंगे हाँ देख मैं ऐसा खाना खा रही थी, आदमी हजरात बोलेंगे देख मैं यहाँ बैठ के खा रहा था, इससे गले मिल रहा था, पूरा मिजाज बना होता है। सबसे सख्त अजाब कयामत के दिन जो होने वाला है किसको? तस्वीर कशी करने वालों को। हजरत आयशा ने कहा मेरे शोहर को पसंद नहीं, फाड़ के फेंक दिया। आजकल की औरतें होंगी तो क्या कहेंगी मालूम है? हाँ जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तुम हमेशा इसी नाक लगाते हो, ये मामला होगा, गुस्सा हो जाएगी कि तुमको कोई पसंद नहीं ना, ठीक है मुझे पसंद है, इनकार। आयशा ने फौरन फाड़ दिया मेरे शोहर को पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं, अल्लाह को जो चीज पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं, जो चीज अल्लाह को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। लेकिन उल्टा मिजाज हो जाता है, बाज हमारे भाई होते हैं, हमारी बाज बहनों से जब उनका निकाह होता है वो बेचारी हिजाब करने वाली होती है, अभी हजरत तो मॉडर्न है, दोस्तों से शेकिंग हैंड कराना है, दोस्तों से मुसाफा कराना है, बोलते निकाल इसको, इतने बड़े बड़े दोस्तों में जा रहा तू बुरखा पहन के जाएगी, बेहिजाब कर देते हैं। और बाज़ हमारी बहनें इतनी मॉडर्न होती हैं, शोहर बेचारा दीनदार होता है, दाढ़ी रखा होता है, मोहतरमा आती हैं कहते थोड़ा ट्रिम कर लो ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हो, बूढ़े थोड़ी ना हो गए हो, बोलता हाँ यार मेरी मोहतरमा तो अच्छी कह रही है, बहुत अच्छा मशवरा दे रही है, और बीवी की बात ना माने ऐसा लगता शरीयत में ये बात बिल्कुल लाजिम कर दी गई है।
अब वो हजरत जाते हैं, हल्का सा ट्रिम करा के आते हैं। एक दिन कहती है पूरा निकाल दो ना, बाद में तुम रख लेना, बाद में हम दोनों हज करने जाएंगे, हज करके आएंगे, फिर तुम नमाजी बन जाना, मैं हज्जिन बन जाऊंगी। ये मिजाज होता है, ये लोगों की मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। जब ये दोनों बिगड़ जाते हैं, इसके घर वाले भी बिगड़ जाते हैं, इसके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, इसकी बेटियां भी बिगड़ जाती हैं, इसके भाई बहन भी वही मिजाज उनका पैदा हो जाता है। अल्लाह के नबी ने समझाया, समझाने के बाद कहा कि जिस घर में तस्वीरें हों, जिस घर में कुत्ता हो, उस घर में फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। ये दूसरी बात है, वक्त की किल्लत है, मुझे कहीं और पहुँचना है। तीसरी बात बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तीसरी बात ये है कि आप नमाज कायम करें, नमाज के अंदर लापरवाही ना करें। खाने में लापरवाही हो जाए थोड़ा चल सकता है, दावत कभी छूट जाए आप टेंशन में ना रहें, ट्रेन छूट जाए पैसा गया ना कोई बात नहीं। लेकिन लोगों को बहुत एहसास होता है 5,000 गया ना, अच्छा नमाज 5,000 से अच्छी बेहतर है क्या? अल्लाह, नमाज 5,000 क्या कई गुना ज़्यादा बेहतर है। एक बंदा कितनी आसानी से नमाज छोड़ देता है, कितनी आसानी से नमाज ज़ाया कर देता है, जबकि कयामत के मैदान में जो पहला रजिस्टर खोला जाएगा देख बंदे, वो कौन सी चीज़ होगी? नमाज। अब पता चला नमाज का रजिस्टर खुला, पूरा ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं। हजरत ने सिर्फ 4 जुमा पढ़ा है, वो भी अजान के बाद आए हैं, तो नाम एंट्री नहीं है, पूरा सब ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। इन सलाहत, नमाज सही निकल गई, सब अमल सही निकल जाएंगे। वह इन फसदत, नमाज अगर बेकार निकल गई, रोजा भी बेकार निकलेगा, जकात भी बेकार निकलेगा, हज भी बेकार निकलेगा, दीगर अमल भी बेकार निकल जाएंगे, जिक्र अस्कार भी सब साइड में हो जाएंगे। नमाज सही सब सही, नमाज ख़राब सब ख़राब। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। तीसरी बात, रमज़ान के बाद आप नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आप में जो बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। आखिरी बात, आप अल्लाह से दुआ करें। क्या दुआ करें? दुआ ये करें कि अल्लाह जो दिल ख़राब हो गया है ना सही हो जाए। रमज़ान में दिल बराबर ठीक ठाक था, वो भी बराबर नहीं हुआ था, सुबह से शाम तक सिर्फ ठीक रहता था, मगरिब के बाद बिगड़ जाता था, और ऐसा बिगड़ता था कि पान की दुकान पे लाइन लगानी पड़ती थी। हजरत मुझे गोल्ड फ्लेक दो, हजरत मुझे फुला सिगरेट दो, लाइन लगी रहती थी। वो सिर्फ सुबह से शाम तक मामला था। अल्लाह से दुआ की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह तबारक व तआला से अपने कल्ब की जो अंदर जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज के बारे में अल्लाह से दुआ की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों के उलट फेर करने वाले, सब्बित कल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तो दीन पर जमा दे। रमज़ानी मुसलमान न बनूं, हमेशा का मुसलमान बन जाऊं, चंद रोज़ इबादत करूं फिर छोड़ दूं, अल्लाह ऐसा न बना, बल्कि हमेशा तो मुझे मोमिन बना दे, हमेशा तो मेरे दिल को दीन पर जमा दे, और ऐसा जमा दे कि मैं दीन पर मुकम्मल जमा रहूं। तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने दिल के बारे में दुआ की जाए, या मुकल्लिबल कुलूब, सब्बित कल्बी अला दीनिक। कुरान में भी दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब तो हमें हिदायत देने के बाद दोबारा गुमराह ना करना। ये चंद बातें थी, मुझे वक्त हो रहा है, मैं फजलत शेख असरार सलफ़ी अहमदुल्ला को दावत देता हूँ कि आएँ और अपनी बातें, गीबत के बारे में जो बात